वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। क्लास एट का ये मैथ है, क्लास एट एक्सरसाइज वन सब्जेक्ट मैथ। क्लास एट चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। जो बच्चे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, रेस्टल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है, किस में वो अप्लाई होता है और किस में अप्लाई नहीं होता है। उसमें जो बच्चे देख चुके हैं, जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है, जब इसके एक्सरसाइज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारा डाउट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2/3, यहाँ पे इनटू है, प्लस माइनस और इनटू, यहाँ पे यहाँ इनटू है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो टर्म हम लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पे एक टर्म ये हो जा रहा है और दूसरा टर्म ये हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ये कॉमन देख पा रहे हैं, दोनों एक जैसा है, 3/5 3/5 यहाँ पे। तो हम लोग इसको सबसे पहले जो एक जैसा है उसको एक जगह लिखेंगे, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस, ये अलग है, बिल्कुल अलग है, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉ लागू हो रहा है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। ये दोनों मिल रहा है तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ये दोनों में ये निकल गया तो ये बच गया, ये माइनस में है, -2/3, और इन दोनों में से ये निकल गया, ये माइनस नहीं निकला, ये प्लस में हम लिए हैं तो ये माइनस रह गया, इस माइनस को यहाँ लगा दिए और ये बच गया, तो 1/6। यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये बच जा रहा है तो इसको बगल में लिख देते हैं 5/2। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। इसमें दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। जब दो नंबर हो और छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है। तो 3 का टेबल में 6 आता है इसीलिए 6 हो जाएगा। तो ये 3 2 6, 2 बार में 2 2 4 -4, माइनस का चिन्ह ये, -6 का 6 बार, 1 बार में जाएगा, 6 डिवाइड करेंगे 6 से, 1 बार में कटेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 5/2 3/5 इंटू -4 -1 -5 हो जाएगा, -6 ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये प्लस 5/2 और 5 1 5 कट जाएगा और 3 2 6 ये कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर में 1 बच जा रहा है तो यहाँ माइनस, ये जो माइनस रह जाएगा, -1/2 प्लस 5/2, 2 2 दोनों सेम डिनोमिनेटर है इसलिए इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर में जितना है वही रह जाएगा, -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4/2, 2 2 जा ये कट जाएगा, 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका आंसर जो है 2 इसका। एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कितने टर्म मिल रहा है, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म और ये तीसरा टर्म, तीन टर्म है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई इक्वल हो तो ये 2/5 और इसमें 2/5, दो टर्म में ये इक्वल मिल रहा है 2/5, तो हम लोग इसको एक जगह ले लेते हैं, 2/5 इंटू -3/7 इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये बिल्कुल ही अलग है, इसको हम लोग अलग रखेंगे, -1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, वही लॉ लागू हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोग जानते हैं, पिछला बार हम लोग देख चुके हैं, यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसमें यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2/5, तो हम लोग 2/5 को बाहर निकाल लेते हैं, 2/5। अब इसमें 2/5 निकल गया है तो बच क्या गया, -3/7 यहाँ पे, और यहाँ बच गया प्लस 1/14, इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं और बाहर में है -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे भी फिर वही प्रॉपर्टीज लागू हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है,
इसके आगे हम लोग लेते हैं 2/5 इंटू, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि छोटे नंबर का टेबल में बड़ा नंबर अगर आता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है। यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 7 से 14 को डिवाइड करते हैं 2 बार में जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 माइनस 6 प्लस 14 को डिवाइड करेंगे 14 से 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये जो बाहर में है इसको यहाँ पे अगर कटता है तो काट देते हैं, 3 2 6 ये कट गया, 1/2 2 4 ये साइन यहाँ रह जाता है, 1/4 2/5 इंटू यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, -5/14 ये ब्रैकेट में रहेगा और ये -1/4 रहेगा, तो ये कट जाएगा, 5 1 5 और 2 7 14 कट गया। यहाँ पे बच गया -1/7 -1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, 7 4 28 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 -4 7 बार में, यहाँ पे -7 आ जाएगा तो 7 और 4 11 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में जो प्लस होता है, या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो -11/28 ये यही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसके आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए दूसरे वीडियो में चलेंगे।